Rawalpindi Express has left the station. Assalamu alaikum, welcome to the Shatsu YouTube channel. और आपने मैच देखा न्यूजीलैंड बामुकाबला पाकिस्तान. मैं फिर सो गया टॉस देख के और पाकिस्तान ने 333 किया हुआ था. मैंने जब गौर से देखा आंखें मल के वो मैंने देखा कि वो 333 वो 33-43 था. ये सब कॉन्टिनेंटल कर क्या रहे हो भाई, ये मुझे आप सोने क्यों देते आराम से. सो प्रॉब्लम ये है जी भाईजान, जरा आ जाए जरा मैच के ऊपर. देखिए भाई, बात यह है कि जो मेच्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिखा रही है ना, इस तरह तो क्लब लेवल के बच्चे भी नहीं दिखाते. क्लब लेवल का जो बच्चा होता है ना, वो भी इससे ज़्यादा क्रिकेट समझता है. पाकिस्तान किस तरह खेल रहा है क्रिकेट, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है. इमेच्योर बैटिंग, इमेच्योर मैनेजमेंट, इमेच्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. मैं बिल्कुल आपको खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, ना पता चल रहा है जब सरफराज कप्तान तैयार हो गया कप्तानी उतार दो, ठीक. जब हफीज तैयार हो गया तो उसको बाहर निकालने के चक्कर में लगे हुए थे. हफीज को बाहर निकालो, हफीज को बाहर निकालो, बुढ़ा हो गया, हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है. वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं है. अच्छा जी, मलक तैयार हो गया, अब उसे काम लेने का वक्त आया था, बाहर निकाल दो. भाई यार, ये मैनेजमेंट है. न्यूजीलैंड के, मैं आपसे पूछता हूँ, न्यूजीलैंड का कप्तान कौन है? केन विलियमसन. कितने साल से है? 5 साल से. कभी क्रिकेट बोर्ड का नाम सुना है? कभी चेयरमैन का नाम सुना है? कभी चीफ सेक्रेटरी का नाम सुना है? कभी किसी का नाम सुना है? किसी का नाम नहीं सुना होगा आपने. लेकिन पाकिस्तान में हर 1.5 दिन बाद चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, हर कोई 2 दिन बाद कोई चेयरमैन आ जाता है, हर कोई 3 दिन बाद कोई ना कोई आ जाता है, कोई पैराशूटर आ जाता है ऊपर से. इतनी इमेच्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप में दिखी है. और मुंह उधर है, शॉट्स उधर हैं, ना प्लेसमेंट का पता है, ना गैप्स का पता है, ना ग्राउंड छोटा है. थोड़ा डाउन टू द ग्राउंड खेल लो और फिर से ही सीख लो कि वो कैसे खेल रहा है. लेकिन नहीं, अल्लाह माफ करे, जो मुंह छेक पार्ट 7 अप, वो बस पिंडी वाला साहब है हमारा. मुंह उठाया, छेक पार्ट 7 अप, इधर मार उधर मार, डबल है उस्ताद जी. चलो जी, सो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम कहाँ जा रही है. और जिस तरह माशाल्लाह इंडिया के लिए, और हमने कहा कि इंडिया तुम कहाँ से इतना अच्छा खेल के दिखा रहे हो, हमें हम बताते हैं आपको, हमने भी ऐसी क्रिकेट खेल के दिखाई कि जिससे शर्म आती है. हमारे यंगस्टर को इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि पता होना चाहिए यार भाई बाउंस कितना है यहाँ पे, हमने शॉट्स क्या मारने, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, हैदर अली की तेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुंह इधर है, शॉट उधर है, प्लांट पहले किया हुआ है, बॉल उधर जा रही है, ये चीज़ें सीखने वाली हैं यार. सो आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टुडे. इट लुक सो इमेच्योर कि यार पाकिस्तान लगी नहीं कि पाकिस्तान टीम खेल रही है. स्वाय फीस के, वो तो फीस बैटिंग करके आपकी, तो आपने वो आपकी सेविंग ग्रेस होगी, अदरवाइज यू हैड नो आइडिया, यू हैव नो क्लू. आपके स्पिनर नहीं कर रहे, स्पिन बॉलिंग नहीं कर रहे, मात वसीम वैसे ही वो लगता है लूडो खेल रहे हैं अंदर जाके. सो दूसरा ये कि आपके फास्ट बॉलर वहाब रियाज है, वो मार खाई जा रहा है, इतना एक्सपीरियंस्ड होके वो सीरीज नहीं नजर आ रहा है. सो आई डोंट नो किस दिशा में जा रहे हैं. अब आप बंदा ले आओ जी, बंदा ले आओ, बंदा सिस्टम कब डेवलप करने, जो शो होता है यूट्यूब चैनल, सिस्टम डेवलप करो. इंडिया एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट्स फॉर श्योर.